हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विविध भाविका। तो गाइस, आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। सैटरडे है और आज अभी हम लोग जा रहे हैं पार्टी में, छोटी मोटी एक फेयरवेल पार्टी है। विनय के कली है रजत, मैंने आपको उस दिन दिखाया होगा ना मूवी में, हमारे साथ आए थे तो उनका आज ट्रांसफ़र हो गया, तो इसलिए पार्टी में जा रहे हैं। मेरा ना कोई प्लान नहीं था जाने का, मैं तो खाना बनाई थी, लंच बनाया। विनय बाइक रखने ऊपर, हम लोग गाड़ी से जाएंगे ना, तो फटाफट मैंने ने 1:30 बजे फ़ोन किया कि 2 बजे निकलते हैं, तो मैं फटाफट तैयार हो गई। मैंने सर में ऑयलिंग भी की थी, हल्का हल्का पानी लगा के आ गई मैं, जैसा भी होता है तैयार होके। मैं और विनय डायरेक्ट रेस्टोरेंट ही जा रहे हैं, वो लोग वहीं आ जाएंगे शायद। कुछ लोग अगर रुके होंगे तो हमारे साथ आएंगे, देखते हैं जैसा भी होता है। बारिश भी आने का मौसम हो रहा है, एक दो दिन से तो धूप थी लेकिन अभी अभी ऐसा लग रहा है शाम तक बारिश आएगी। गाइस, मैं कह रही थी ना शाम तक बारिश आएगी, अभी स्टार्ट हो। देखो छीटे दिख रहे हैं आपको, इस समय सब बारिश है। और वो लोग पीछे रेड कलर की कोई कार दिखेगी, उसमें आ रहे हैं सारे चार लोग ऑफिस के, हम दोनों अलग आ रहे हैं। जो रजत है विनय का फेवरेट था, विनय को बहुत ही बुरा लग रहा है कि रजत का ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसके लिए अच्छा लग रहा है कि उसको उसके घर के पास मिल गया है, इसलिए है ना। क्यों परेशान हो गया था बेचारा, बहुत दूर घर है यहां से उसका। रोज का काम दे दूं क्योंकि यहाँ एक ही रेस्टोरेंट है अच्छा, तो हम यहीं आ गए हैं दोबारा से पार्टी करने। विनय कुछ खा नहीं सकते क्योंकि विनय अच्छा ही आ गए हैं। गाइस, देयर इज द कार। ये वाला राजमा बटर मसाला, ये है रजत, और ये मिक्स है, और ये है सब कुछ। दिस इज द रेस्टोरेंट। नहीं नहीं, रजत से शुरू। गाइस, ये हैं रजत जी। हेलो रजत, हेलो हेलो, कैसा लग रहा है तुम्हें जाने वाले? बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। इतना हंस के बोल रहा, बुरा लग रहा है, काफी टाइम रहा ना मैं। गाइस, ये दोनों रूममेट्स हैं, ये इनका नाम गौरव है। हेलो गौरव, वैसे उस दिन भी मिले थे मूवी वाले दिन, तुम्हारा रूममेट जा रहा है ना, जोर से बोलो ना। तो गाइस, ये दोनों विनय के यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स थे, अब एक जा रहा है। सेटअप है एडिट पूरा आपके पास? हां ऐसे जैसे आवाज आपने एडिट हो गई है, आ जाती है। पूछो मैम, क्या पूछे थे आप? क्या पूछ रहे थे? यही कि जा रहे ना तुम्हारे दोस्त, थोड़ा बुरा लग रहा है। गाइस, आज ये सैड भी है सच में, ये अभी थोड़ा सा स्माइल कर रहे हैं, अदरवाइज ये बहुत ही ऐसे गुमसुम से बैठे चुप करेंगे। और मैडम है, हेलो मैडम, अलका मैडम है ये, और ये पूनम मैडम, हेलो। इन दोनों को कैसा लग रहा है? हमें अच्छा भी लग रहा है, सेम टाइम में तो भी। हाँ, तो ये विनय का सारा स्टाफ है और मैं सबकी दोस्त हूँ यहाँ पर। खाओ, कौन कौन क्या खा रहे हैं? खाने में विनय सर कुछ नहीं खा रहे हैं, विनय कुछ नहीं खा रहे, विनय का ये आया है। खाने दे रहे विनय सर को और ब्लॉग बना रहे, ऐसे ही बोलो। गाइस, विनय की तबीयत खराब है तो विनय बस नींबू पानी पियेंगे। और ये दोनों बहुत भुक्कड़ हैं, ये बहुत कुछ खाते हैं, मतलब ये खाते रहते हैं। मेरे लिए 10, इसके लिए मैडम के लिए 2-2। मैडम तो कम खाती है मतलब कभी भी, और पूनम मैडम भी कम खाती है। ये दोनों बहुत वैसे हैं मतलब। अब डाइटिंग भी हो जाएंगे मैम, मजाक नहीं, हम बहुत खाते हैं। हाँ, ये दोनों ना ये ब्रांच में भी खाते रहते थे, विनय मुझे बताते थे कि ये दोनों चलती है मैम ब्रांच। हाँ, एनर्जी आती रहती है ना। समोसे वमोसे समोसे तो मैम बहुत कम खाए। समोसे तो घर तो लेके आते हो मेरे लिए? अब वो तो लगे ना बनने, वो देखो गुमसुम। गाइस, इसे इतना बुरा लग रहा है ना, कोई नहीं कर रहा, इट्स ओके। मैं इनको बता रही थी कि मैं अपने 25th बर्थडे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि 25th बर्थडे स्पेशल होता है ना। आपने तो 22 को लॉकडाउन लग गया था, विनय ने भी बहुत मजाक बनाई, मतलब बाहर से बहुत सैड थे, अंदर से बहुत खुश थे। खर्चा बच गया था, गिफ्ट तो मुझे मिल ही गया था। वैसे भी विनय सर बहुत अच्छे थे गिफ्ट देने में, अभी भी है। मैडम से पूछो मैम, मैडम ने स्केल 2 बनना है मैम,
मैडम को सेटिस्फाई है अपनी जॉब पे है ना? मैम सर से पूछो इसके बाद क्या क्या बने सर प्रमोशन लेंगे? अच्छा प्रमोशन तो लेंगे ही, तुम ये बता सर वैसे ही बहुत ही दुखी है, उनका राइट हैंड जा रहा है रजत, उनका सबसे फेवरेट था, मतलब फेवरेट था ना रजत ऑब्वियसली, अगले साल वहां जाएंगे जहां मैं हूं। गाइस देखो मेरा सबसे पहले आ गया, मेरे और मेरे पति का सबसे पहले आ गया, बाकी सब वैसे बैठे अभी क्यों इन्हें सिर्फ कपल ही है ना मेन सॉरी हां कपल यहाँ पे एक इनका सबसे पहले आता है कपल का। हाँ कपल का सब कोई नहीं, कुछ टाइम बाद गाइस रजत की भी शादी होने वाली है। एक होगी अभी दूसरी एक होगी है मैम दूसरी अभी है बात सुनो ऐसा ना ब्लॉग देख के कोई आता जाता रिश्ता भी होगा। गाइस एलिजिबल बैचलर है ये, एलिजिबल बैचलर बैंकर किसी को अगर शादी के लिए लड़की 22 के नहीं हो मुझसे तो बड़े ही हो आप, पूछ लो सर से। गाइस 92 डेट ऑफ बर्थ है, एलिजिबल बैचलर है, रजत शर्मा नाम है ना तुम्हारा, रजत शर्मा नाम है कोई लड़की 94 है गाइस 28 इयर्स के ना ठीक है एलिजिबल है। हाँ एलिजिबल है बिल्कुल। नेक्स्ट पर्सन गाइस वो तो अभी खैर छोटा ही है वही बाल भी वाह बालिका वधू गाइस ये लोग बहुत फनी है उसको चिढ़ाते रहते गौरव को इसको इसलिए रखते हैं कोई नहीं मैं ये टेस्ट कर रही हूँ अभी पहले कैसा है असली चीज तो अब आई है इन लोगों की। हाँ पेट भरा है ना लालच नहीं आ रहा इसलिए राजस्थानी मतलब पराठे देख के तो गाइस देखो अच्छा पराठा सबसे महंगा मैम। हाँ गाइस देखो यहाँ हमको टमाटर टमाटो मिला है सैलेड में गौरव वैसे सीधे लगते हैं देखो गाइस सबसे पहले अपने प्लेट में क्या डाला टमाटर 150 रुपए किलो पकड़ो ना वो थंबनेल डालूंगी लालच जा रहा रायता भी आना कोई बात नहीं और मेरा ये है देखो सबका पेट भर चुका है और इन्होंने इतनी सारी रोटियां फिर से मंगाई हैं हो गया खाना पीना सब लोग जा रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है। हाँ नहीं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स जब होंगे ना तब मैं लूंगी इसको ब्लॉग में डालना मैं कॉलर माइक गाइस मुझे ये जो रजत है वो व्लॉगिंग के टिप्स दे रहे हैं कितना अच्छा मौसम हो गया अभी अभी हाँ सारा कोहरा हो गया ना चलो फिर ये हमारी गाड़ी ये मैडम की गाड़ी बाय बाय गाइस बाय बाय मैम मैं यहीं हूँ मैम अभी कब जाओगे वैसे मैं कल जाऊंगा मैम कल नई ब्रांच नहीं चलो गुड लक तुम्हें नई ब्रांच के लिए फिर मिलेंगे मैं आऊंगी हाँ ओके बाय आऊं मैं चलो आ रहे। चलो गाइस हम लोग बैठ गए फिर से वो लोग सब एक गाड़ी में आ रहे हैं क्योंकि विनय मुझे घर छोड़ेंगे इसलिए बस हो गई है पार्टी वार्टी खाना पीना विनय ने तो कुछ भी नहीं खाया बस नींबू पानी पिया अब विनय मुझे घर छोड़ेंगे फिर दोबारा आएंगे ऑफिस पता है गाइस मेरा इतने दिनों से मन हो रहा था ना विनय काम धीनू चलो मुझे ये खाने का मन हो रहा है वो खाने का मन हो रहा है और आज गए तो आज मैं कुछ भी नहीं खा पाई मन ही नहीं हुआ पता नहीं क्यों मैंने कॉफ़ी पी ली थी कॉफ़ी पी के भूखी मिट गई और अजीब सा लगने लगा तो मैंने बहुत ही मतलब थोड़ा सा स्प्रिंग रोल्स खाए बस बस अब लोग आ गए विनय ने मुझे घर छोड़ दिया विनय अब बाइक से जाएंगे ऑफिस क्योंकि बारिश रुक गई है ना मैं नीचे को जाऊँगी मैंने डायरेक्ट जाएंगे क्योंकि टाइम हो गया हाँ गाड़ी की चाबी हाँ घर की तो मेरी जेब में भाई गीली हो रही होगी ना गीली हो रही है हाँ 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 नहीं नहीं मैं पैदल पैदल जाऊंगी थोड़ा वॉक कर लेती हूँ ना बाय बाय बस अब मैं नीचे को जाती हूँ थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगी इसलिए मैंने सोचा कि वॉक करके ही जाती हूँ खाने के बाद ना
आज ही मैंने लंच बना दिया था, मैंने भिंडी की सब्जी बना दी थी, हरी सब्जी बनाई थी, मतलब मूली के पत्ते और सारा कुछ बना दिया था। उसी टाइम विनय ने कहा कि चलो भाभी का चलना है, लेकिन मैं विनय को तो खिला दिया था फटाफट, मतलब खाना खा के ही गए विनय। ऐसा होता है ना कि जैसे पेट भरा हो तो ऐसे बाहर की चीज़ों में लालच नहीं जाता, तो इसलिए मैंने विनय से कहा था कि खा जाओ, तो विनय ने वहाँ कुछ नहीं खाया इसीलिए। ये मेरा मनी प्लांट कितना बड़ा हो गया, मैं इसका इतना छोटा सा लेके आई थी, इतना छोटा सा लेके आई थी। ये भी पूरा, ये न्यू पत्ते हैं सारे, ये सब न्यू पत्ते हैं, इसमें भी कितने सारे नए पत्ते आ गए। आजकल मेरे प्लांट्स बहुत खुश हैं। और ये पवी के किंडर जॉय में निकला था टॉय, पवी के किंडर जॉय में टॉय निकला था एरोप्लेन, तो मैंने इसमें लगा दिया इसको। और ना गाइज, मुझे एक और चीज़ बतानी थी, मैंने इस बीच बुक्स ऑर्डर करी है, तीन नई बुक्स जो मुझे पढ़नी थी, मतलब विनय और मुझे दोनों ही पढ़नी थी। मैं दिखाती हूँ, वाली बुक पढ़ी थी ना डार्क हॉर्स, मैंने शायद बताया था आपको, मैंने उसके बाद बताया नहीं कि ये कैसी बुक थी। ठीक लगी मुझे, ये कोई यूपीएससी एस्पिरेंट था, उसने अपनी मतलब स्टोरी क्या, अपना स्ट्रगल टाइम वो सब उस हिसाब से है ये, मतलब यूपीएससी की जो लोग तैयारी करते हैं तो उनकी लाइफ कैसी होती है। और ये वाली बुक भी मैंने शायद आपको बताया था कि मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ने के बाद मैं ये भी बताना भूल गई कैसी है। ये जो इकिगाई जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है। बाकी ये वाली बुक भी मैंने पढ़ लिया, आई एम अ ट्रोल, ये बेसिकली बीजेपी के अगेंस्ट उस तरीके की बुक है कि मतलब अब इनसाइड्स ऑफ द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ द बीजेपी डिजिटल आर्मी, कोई स्वाति चतुर्वेदी उन्होंने लिखी है, तो ये मैंने पढ़ी। इतनी नॉवेल्स हैं ये, पांच अच्छी हैं, जो लोग नॉवल पढ़ने के शौकीन हैं उन्हें अच्छी लगेगी। बाकी ये जो है ये शाहीन भट्ट, आलिया भट्ट की बहन है शाहीन भट्ट, बड़ी सिस्टर, उन्होंने लिखी है अपनी ना मेंटल स्ट्रगल के बारे में है ये, वो डिप्रेशन में थी बहुत सालों से, तो उन्होंने अपनी जर्नी इसमें लिखी है, अच्छी बुक है। बाकी ये तो सभी को पता होता है सेपियंस बहुत अच्छी बुक है, ये मैंने नहीं पढ़ी है, 5 AM क्लब, बाकी ये अच्छी है, ये तो अब्दुल कलाम वाली है ऑब्वियसली अच्छी ही है। तो ये सारी बुक्स हैं जो मेरे पास हैं और मैंने पढ़ी हैं, केवल ये वाली मैंने नहीं पढ़ी, ये जब पढ़ूंगी तब बताऊंगी। ये हैं बुक्स जो मैंने अभी अभी मंगाई हैं, हिडन हिंदू, अक्षत गुप्ता की हिडन हिंदू है ये पार्ट वन है, और बुक थ्री ये पार्ट टू है, ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू है और ये पार्ट थ्री है। तो इन दोनों का तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने अभी पढ़ी नहीं है, ये परसों ही ऑर्डर हुई थी, तो कल मैंने ना ये इतनी लगभग पढ़ ली है, यहाँ मैंने पेपर फोल्ड किया यहाँ तक 100 pages। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लग रही है अभी तक तो पढ़ने में, मतलब ये उस बारे में है कि जो 7 Immortals है ना, तो इसमें बताया कि 8 है, वो एक और आदमी है जो बहुत टाइम से जिंदा है, लाइक सतयुग और त्रेता युग और अभी भी द्वापर युग और अभी कलयुग में भी वो जिंदा है कोई इंसान, तो उसके बारे में है ये। धीरे धीरे मैं जैसे जैसे पढ़ूंगी बताऊंगी, सीरीज़ है ये, मैंने एक साथ ही मंगा ली तो ये मुझे अच्छी लग रही है फिलहाल। मैंने कल पढ़ी थी ये बुक, 100 pages पढ़ लिए, अभी मैं इसको पढ़ती हूँ, अब इसको ख़त्म करती हूँ, फिर मैं जब पूरी ख़त्म कर लूँगी ना तब बताऊँगी रिव्यू कैसी है। अभी तक जितनी पढ़ी है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। तो गाइज़, तो ना जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं और बुक पढ़ने के शौकीन हैं, मतलब जो पढ़ते रहते हैं न्यू बुक्स, तो वो लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिएगा कॉमेंट में कि मुझे कौन सी बुक, जो मेरे पास नहीं है अभी, मैंने दिखाई दी है ना कि कौन कौन सी बुक्स मेरे पास है, जो नहीं है और आपको लगता है कि आपकी फेवरेट बुक है और मुझे पढ़नी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है बुक्स पढ़ने का, अच्छी अच्छी बुक्स। गाइज, आजकल ना यहाँ के मौसम का बिल्कुल भी वो नहीं, गाइज देखो ये बर्ड, ये बैठी है ना, ये हमारी खिड़की पे, कभी इस खिड़की पे बैठती है, कभी उधर बैठती है। हिमाचल के मौसम का ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अभी हम लोग बाहर गए थे रेस्टोरेंट और अभी इतनी तेज बारिश होने, देखो कुछ इस टाइप का माहौल है, बारिश दिख तो नहीं रही कैमरे में लेकिन बारिश बहुत है, ज़मीन गीली हो गई है पूरी और पूरा ऐसा मौसम है। और आजकल मतलब कल और परसों 2 दिन धूप थी, उससे पहले पूरे हफ्ते ना गाइस इतनी तेज बारिश थी हिमाचल में, सब लोग को पता ही होगा, न्यूज़ में आप देख ही रहे होंगे कि सब जगह लैंडस्लाइड वगैरह हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं ना पर्टिकुलरली, यहाँ पे कोई नदी नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है जिसके जिसे पानी आए और तबाही हो, थोड़ी दूर पे हुआ है तो हम लोग तो सेफ हैं यहाँ। इतने लोगों के आजकल फ़ोन आने में रिश्तेदारों के सारे,
घर वालों के कि कैसे हो कैसे हो। सब लोगों को लगता है ना, न्यूज़ में देखते हैं कि हिमाचल में ऐसा हो रहा, तो सब डर जाते हैं। तो इसलिए मतलब हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ। विनय का ऑफिस भी पास में ही है, तो जो विनय की ऑफिस वाली रोड है वो भी ठीक है, अच्छी रोड है, और 2-3 मिनट लगता है जाने के लिए, और ट्रैवल तो हम लोग कर नहीं रहे बिल्कुल भी। तो इसलिए, और वैसे भी रास्ते सारे बंद हैं, पता है गाइस, कनेक्टिविटी टूट गई है। अगर हमको अभी घर जाना पड़े ना अर्जेंसी में, हम नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में अम्बाला वाला रास्ता जो है, चंडीगढ़ वाला, अम्बाला में रोड ख़राब है, मतलब पूरा बंद है रास्ता। और अगर इधर पौंटा साहिब के रास्ते जाएंगे तो पूरा पहाड़ी रास्ता है, सोलन के बाद वाला जो हाईवे है 4 लेन, वो पूरा टूटा है। और एक और तीसरा रास्ता है सोलन के बाद, दूसरी पौंटा साहिब को निकलती है जो रोड, वो भी पूरी टूटी है। तो हम लोग बिल्कुल यहाँ फंस चुके हैं, फंस क्या चुके हैं, हमें जाना भी नहीं है वैसे अभी कहीं भी, लेकिन इनकेस जाना पड़े तो हम नहीं जा सकते, सारे रास्ते टूटे हुए हैं अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए। अभी अलर्ट है, अब इस हफ्ते भी पूरा बहुत टेंशन हो रही है ना, हो जाता है ना, सारे रास्ते ख़राब हैं। मतलब परसों हम सब्जी लेने गए थे, तो वो भी हम इतनी मुश्किल से जा पाए, क्योंकि रोड 2 लेन होती है ना, और 1 लेन में कहीं पर तो मलबा आया है, और 1 लेन कहीं कहीं पे पूरी नीचे गई है। तो ऐसा सा माहौल हो रहा है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि काफ़ी लोगों के ना घर वगैरह टूट गए हैं, होटल्स टूट गए हैं, आपको पता ही होगा मनाली में कैसा हो रहा है। तो वही भगवान सही करे सब कुछ, हिमाचल को नज़र लग गई। गुड मॉर्निंग गाइस, आज संडे है और बहुत ही बारिश है बाहर, सुबह से बारिश लगी है। एक बार सुबह से हल्की सी धूप आई थी 5 मिनट के लिए, उसके बाद से बारिश है बहुत ज़्यादा बाहर। और मैं अभी कटहल काट रही हूँ, लंच के लिए कटहल बनाने वाले हैं हम। तो ये कटहल है, इसको पूरा काट दूँगी और बनाऊँगी आधा ही आधा, फ्रिज में रख दूँगी काटने के बाद। और विनय वहाँ पर बैठे हैं, विनय पढ़ रहे हैं द हिडन हिंदू, जो बुक मैंने कल दिखाई थी ना आपको, मैं पढ़ रही थी, तो मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, लास्ट के कुछ 10-20 पेजेस बचे हैं। तो विनय अभी पढ़ रहे हैं और मैं ये कर रही हूँ। गाइस, कटहल बनाने का मेरा प्लान सारा फेल हो गया है, क्योंकि जो कटहल था ना वो पक गया था, मतलब परसों हम लाए थे सब्जी, उसी दिन कटहल भी लाए थे। फिर मुझे लगा था कि संडे के दिन बनाऊँगी आराम से, क्योंकि बाकी दिन फटाफट खाना बनाना होता है, संडे के दिन आराम से बनाऊँगी। तो हमने वो बाहर ही रख दिया, क्योंकि पूरा था वो कटहल, मतलब टुकड़ा नहीं था, पूरा एक कटहल ले आए थे। तो वो फ्रिज में भी नहीं रखा था, बाहर रखा था, मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी पक जाएगा एक ही दिन में। मतलब परसों लेके आए थे, कल और आज एक ही दिन में वो पक गया, जबकि यहाँ मौसम इतना वैसा गर्म भी नहीं हो रहा। तो मैं दिखाती हूँ कैसी हाल होगी उसकी। मेरा ये कटहल, ये पूरा ऐसा, ये ऐसा पक गया था, मतलब सड़ा नहीं था, पका था। जिन लोग को कटहल, मतलब जो लोग खाते होंगे उनको पता होगा, ये इस तरीके का पूरा पक गया था। और ये बीज हैं इसके, जब कटहल पक जाता है तो उसको ऐसे पिचकाओ तो सारे बीज एक साथ ही अलग हो जाते हैं, तो ये सारे बीज अलग हो गए। ये फेंक दूंगी मैं, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है अब। और ये बीज है, इनको हल्का बॉयल करके खा लेंगे। अब अभी लंच के लिए कुछ और चीज़ सोचनी पड़ेगी हमें, क्योंकि प्लान तो कटहल खाने का ही था, और मन भी बहुत था, हमारा मन भी ख़राब हो गया सारा, विनय का ज़्यादा मन था, लेकिन कोई नहीं, ये जो बीज है वो भी टेस्टी होते हैं खाने में, वो खाएंगे हम। तो यहाँ पे मैंने काट दिया है सैलड। विनय ने कितनी पढ़ ली है, 39 पढ़ लिया विनय ने, नाइस स्पीड। और गाइस, मैंने वो जो कटहल के बीज थे ना वो उबालने रख दिए, एज अ स्नैक्स हम खा लेंगे उनको। और अभी मैं सोचूं कि थोड़ा सा सैलड होता नहीं है, पेपर को काट थोड़ा सा इनको हल्का सा ऑलिव ऑयल में सॉटे करके सैलड सा बना लेती हूँ, ये खा लेंगे अभी, फिर बनाएंगे रोटी सब्ज़ी। गाइस, तो लंच के लिए हमने डिसाइड किया कि हम लौकी बनाएंगे। मैंने लौकी काट रहे हैं बहुत ही छोटे चाकू से, और मेरे को बड़ा मजा आ रहा है इससे काटने में। क्यों लगे हो तुम इससे, वैसे छोटे से करो ना, इससे अच्छा कट रहा है। अच्छा तो कुछ नहीं कट रहा है इससे, आप बता रही है, लेकिन तुम्हारा शौक हो रहा है। और ये सैलेड रेडी है, और ये हैं बीज कटहल के, मैंने छील दिए। अभी हम ये और ये खाएंगे, लंच बाद में करेंगे। देखो कितनी आफत आ रही है विनय को, ये चाकू ना चलाना आना चाहिए जैसे जीजा जी चला रहे थे। मैं भी अच्छा चला रहा हूँ।
तुम्हें आफत आ रही है बहुत। तुम्हें कहाँ आ रही है मुझे आफत? मुझे आफत आ रही है, छोड़ नहीं जाता अभी तक। बट इसको ना ऐसे काटते ना आगे से जैसे रख। हाँ। बड़ी चीज है नहीं ये। बड़ी चीज है नहीं है। अब तुम जिद करोगे। चलो छोड़ो मैं चढ़ाती हूँ साइड से, लौकी चढ़ाना शुरू करती हूँ। तो रेडी हो गया है ब्रंच हमारा, ये मेरा है, मैंने अपने हिसाब से ये ले लेंगे जितना खाएंगे। मैं तो इसमें गाइस नींबू डालूंगी थोड़ा सा और ब्लैक पेपर डालूंगी। तुम कुछ नहीं ना? ठीक है, बिना ऐसे ही खाएंगे। कैसा हो रहा सैलेड? बहुत टेस्टी है। इसमें लेमन डाल रहे हो? डाल लो ना थोड़ा। और वो भी लेना, मुझे प्लेन पसंद है। ठीक है,